विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सवाल कितने छोटे होते हैं मगर कैसा जादू होता है। राइट टाइम पर राइट सवाल पूछकर, लोग राइट टाइम पर रॉन्ग सवाल पूछते हैं, रॉन्ग प्लेस पर राइट सवाल पूछते हैं, रिजल्ट नहीं आती। राइट प्लेस पर राइट टाइम पर राइट सवाल। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है, हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है, मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा
डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से
तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब भी आप ताल में हो, यानी आपको कुदरत ने बताया है तुम सही जा रहे हो, तैयारी शुरू करो। और ना जवाब है तो पहले ताल में लाओ। कैसे लाएंगे? एक तरीका बताया, पहला श्वास पर ध्यान देंगे, ताल में आना शुरू हो गए, श्वास पर ध्यान पहला। दूसरा, कृपाओं को याद करो, आप पर क्या क्या कृपाएं हुई हैं। मानव शरीर मिलना भी कैसी कृपा है, इसमें श्वास का चलना भी कैसी कृपा है। जिन लोगों की सांस अटकती है उनसे जाकर पूछो सांस लेना कैसी कृपा है। और हमारे जीवन में क्या क्या आ चुका है, जब हम इस पर मनन करते हैं तो कृपाओं की वजह से हम अलाइन होने लगते हैं, वापस से हम कुदरत के साथ तालमेल में आने लगते हैं। तो दूसरा तरीका बताया, कृपाओं पर मनन। तीसरा तरीका, आप लाइट को अपने ऊपर उतरते हुए देखोगे, ब्रह्मांड से आने वाली लाइट पृथ्वी पर और पृथ्वी से आप पर, जिस भी देश में हो आप, उस देश पर, उस देश के उस इलाके पर, आप साउथ में हो, आप नॉर्थ में हो, आप ईस्ट में हो, आप वेस्ट में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां हो वहां से होते होते आप तक कैसे, आपके मोहल्ले तक, आपके घर तक, आपके हॉल तक, आपके शरीर पर वह लाइट प्रवेश कर रही है, शुभ्र प्रकाश, वाइट लाइट। आप उसे ग्रहण करो, ध्यान में उसे ग्रहण करो, अंदर भर रहे हैं आप उस लाइट, उस प्रकाश से भर रहे हैं लाइट। तीसरा तरीका, लाइट, जिसको जो तरीका भाए, मगर ट्यूनिंग होना इम्पॉर्टेंट है, तालमेल आवश्यक है। तो लाइट, और किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई लाइट टॉपिक पर जाए, लाइट चैनल देखे, लाइट चैनल यानी कॉमेडी, कुछ सीरियल चलते ना लाइट चैनल, वरना लोग बहुत हेवी चैनल्स देखते रहते हैं, सास बहू के झगड़े, षड्यंत्र और टेंशन बढ़ते रहता है, पहले ही तालमेल नहीं है और क्राइम पेट्रोल पी रहे हैं और सब बिगड़ता है, लोगों को बहुत उत्साह आता है न्यूज़पेपर पढ़कर, लोग कैसे अपनी तालमेल बिगाड़ते हैं उनको मालूम नहीं है, जिनको सालों की हैबिट पड़ चुकी है ऐसे न्यूज़ चैनल्स, ऐसे न्यूज़पेपर्स पढ़ पढ़कर वो अपनी हानि कर रहे, उन्हें पता नहीं है। तो जो कुदरत के साथ चलना चाहते हैं वे क्या करेंगे, लाइट टॉपिक पर जाएंगे, लाइट देखेंगे, कृपाओं पर मनन करेंगे, श्वास पर ध्यान, श्वास चलेगी जाएगी, पहले थोड़ी उखड़ी उखड़ी, फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे अब इसमें लय और ताल आ रही है, शांत हो रही, जैसे जैसे वो शांत होते जा रही है आप ट्यून्ड होते जा रहे हो। पहले सवाल का चमत्कार आपके जीवन में शुरू होगा। अगर कोई ये सवाल पूछकर दिन में जब भी याद आया, खुद को सिर्फ तालमेल में रखे, कुदरत सब कुछ देना चाहती ही है, जो भी आप जीवन में चाहते हो, पहले सवाल से शुरू। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।